हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं कैप्टन जी लेकर आ गया हूं आपके लिए नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले लक्ष्य चौधरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसका नाम है क्रिंज इनटू 100, जिसमें उन्होंने बात की टिकटॉकर्स एंड वन ऑफ द यूट्यूबर नेम लिटिल दानिश और उनको रोस्ट किया। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने दानिश जैन के भाई गुफरान को भी रोस्ट कर दिया। तो इस पे गुफरान ने रिप्लाई देते एक वीडियो बनाई जो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। हर्ष बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनका वीडियो अ डे विद क्रिंज टिकटॉकर वाला वीडियो अभी तक थर्ड मोस्ट लाइक वीडियो बन गया है ऑन यूट्यूब इंडिया नॉन म्यूजिक कैटेगरी। जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट टू वीडियोस जो है कैरी मिनाटी के अपलोडेड लास्ट टू वीडियोस में से हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। अभी कुछ दिन पहले आशीष चंचलानी ने अपने फेसबुक पेज पे फंड रेजर रखे थे फॉर डोनेटिंग इन कोविड-19 एंड ही कलेक्टेड ₹5 लाख। ही रिएक्टेड एंड पोस्टेड इन हिज इंस्टाग्राम स्टोरी, लेट्स सी व्हाट ही से। हम लोगों ने सक्सेसफुली 5 लाख रुपीज रेस कर दिए है गिव इंडिया एनजीओ के लिए ऑन माय फेसबुक पेज। ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोग आ गए हैं, आप लोगों ने डोनेशंस किए, मेरा तो सिर्फ एक पेज था। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू गाइस मेड इट पॉसिबल। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। आई वुड लाइक टू थैंक अ वेरी वेरी स्पेशल फैन जिन्होंने ऑलमोस्ट एवरी डे फेसबुक पे डोनेशन किया सो दैट वी कुड रीच द माइलस्टोन ऑफ 5 लाख रुपीज। हिज नेम इज रोहित गुप्ता। रोहित थैंक यू सो मच ब्रदर, आई लव यू सो वेरी मच। सेम एज आशीष चंचलानी, बेबी की वॉइस भी डोनेशन एंड चैरिटी कर रही है थ्रू रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम हिज वीडियो टीटू टॉक्स एपिसोड 3 एंड भुवन बाम्स। खुद स्लम्स में जाकर वॉलंटियर किए थे जिसके बाद उन्होंने पोस्ट किया था। बहुत लोगों ने रिप्लाई में उनसे पूछा कि आपने ये पोस्ट क्यों किया, तो उसके रिप्लाई में भुवन बाम ने इंस्टा पे आकर के खुद रिप्लाई दिया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो अभी मैं नहा के निकला हूँ क्योंकि आज मैं 3-4 घंटा स्लम्स में जाके खुद आज मैं वॉलंटियर करने गया था। मुझे लगा मुझे जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि हाउ इज हेमकुंट फाउंडेशन वर्किंग एंड उनका काम एज यूजुअल एकदम A1। The way they have arranged things for everyone, it's commendable. तो आज हमने 2500 लीटर दूध, 8000 मील्स, 1500 ORS के पैकेट, 1500 बिस्किट्स के पैकेट और 5000 पानी की बोतलें डिस्ट्रीब्यूट करी लोगों में अलग अलग स्लम्स में जाके। अब रीज़न मेरे रोज़ फोटोज डालने का और आपको अपडेट रखने का इसलिए क्योंकि एपिसोड टीटू टॉक्स 3 के एपिसोड एंड में मैंने बोला था कि मैं वीडियोज का सारा पैसा जगह 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 पे वेरीफाइड जगहों पे डोनेट कर दूँगा। तो उसी का मैं हिसाब कह लो या ट्रांसपेरेंसी बरतना कह लो, तो वो मैं कर रहा हूँ। मुझे ट्रांसपेरेंसी बरतनी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कि जो जो मैंने वादा किया था वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट रॉन्ग। और अगर मैं फोटोज डालूंगा तो मुझे पता है कि कोई तो एटलीस्ट इन्फ्लुएंस होगा इस एक्टिविटी से और कोई अपने आसपास भी किसी की मदद करेगा। और अगर किसी ने ये कर दिया तो मेरा काम हो गया। और अगर मुझे रोज़ ऐसी फ़ोटो डालनी पड़ी तो मैं डालूंगा, डालता रहूँगा, नॉनस्टॉप डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जितना भी ऐसे भी कंट्रीब्यूट किया है, आपने जितना भी वीडियो को शेयर किया है, एपिसोड 3 को जितना शेयर किया है, जितना आपने लोगों को बताया इस एपिसोड के बारे में। और मुझे थैंक यू मत बोलिए, मुझे बिल्कुल मत बोलिए, आप डिजर्व करते हैं क्योंकि आपके शेयर की वजह से पैसे आए हैं जो कि इन कामों में लग रहे हैं। एंड थैंक्स टू हेमकुंड फाउंडेशन एंड थैंक्स टू एवरीवन आउट देयर जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए। करते रहो, साथ लड़ेंगे और निकल आएंगे बाहर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एल्विस यादव के बारे में। माना जा रहा है एल्विस यादव कुणाल कामरा पे रोस्ट वीडियो बना सकते हैं। इसी के साथ वो ट्विटर पे ट्वीट किए, एक वीडियो मेन चैनल पे आएगी फिर एक रोस्ट आएगा 10 तारीख से पहले, दुआ करना कंट्रोवर्सी ना हो। फिर एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, एक सवाल बार बार अपने आप से पूछ रहा हूँ, कुणाल कामरा ज्यादा सी है या सवारा भास्कर। नेक्स्ट ट्वीट में उन्होंने कहा, नेक्स्ट रोस्ट ऑन कुणाल कामरा, मोदी जी के अलावा कुछ ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए उसकी वीडियो में। लेट्स सी एल्विस यादव का रोस्ट वीडियो कब तक देखने को मिलता है, तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल पे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।